बच्चों, आज हम इतिहास में कक्षा 12वीं के अंतर्गत अध्याय 15 में संविधान का निर्माण पढ़ेंगे, जिसमें एक नए युग की शुरुआत हुई। आप लोग ने देखा होगा कि पिछले हमने उसमें आज़ादी कैसे मिली, भारत का विभाजन हुआ तो उस समय बहुत सी परेशानियां हो रही थी। उस बीच में ये देखा जा रहा था कि हम देश को किस तरह से चलाएं, और देश को चलाने के लिए हमें नियम और कानून की आवश्यकता है। इसमें जैसे कि हमने व्यवस्थापिका देखा है, व्यवस्थापिका आप लोग राजनीति में पढ़ रहे होंगे, उसमें व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, जो कि नियमों और कानूनों को संचालित करने के लिए आवश्यक है। तो अब हम इसमें ये देखेंगे कि संविधान क्या है। संविधान वो है किसी भी देश का शासन जिन मूलभूत नियमों एवं कानूनों के अनुसार चलाया जाता है, और उनके द्वारा मतलब उनके संकलित प्रलेख को संविधान कहते हैं। मतलब जो नियम कानून बनाया गया है उसे प्रलेख, प्रलेख मतलब लिखित रूप में हम उसे रखे हुए, तो उसे हम संविधान कहते हैं। और हमारे यहाँ का संविधान जो है सबसे बड़ा संविधान है, मतलब विदेशों में भी है, हमारे यहाँ भी है, लेकिन हमारे यहाँ का संविधान जो है सबसे बड़ा संविधान है। जब ये संविधान बनाया जा रहा था उस समय भी विशेष ध्यान रखा जा रहा था, क्योंकि उस समय सांप्रदायिक दंगे भी हो रहे थे, सारी चीज़ें हो रही थी। इस कारण छोटी से छोटी बातों का ध्यान रखते हुए, मतलब किसी प्रदेश को या किसी देश को या किसी राज्य को किसी प्रकार से उनकी मान सम्मान को हानि न हो, या फिर उनकी जो अन्याय हुआ है उसको पूरा न्याय मिले, उस आधार पर हम कानून या संविधान को बनाने का निर्णय लिया गया था। उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने भारत की संविधान सभा का संविधान जो है उसको निर्मित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था, और जिसमें जो है जुलाई 1946 में संविधान सभा के सदस्यों का भी निर्वाचन किया गया था। समिति निर्मित की गई, सदस्यों का निर्वाचन किया गया, और साथ ही साथ जो समितियाँ बनाई गई थी उनमें विशेष रूप से उनमें लंबे समय में एक एक भाग, एक एक नियम पर लंबी चर्चाएँ हुई, जिसके कारण कि हमारे संविधान को बनने में बहुत समय लगा। अब इसमें हम देखेंगे 1946 से 1949 के बीच संविधान को सूत्रबद्ध किया गया। मतलब हमारा जब संविधान बन रहा था तो उसमें देखिए 46 से 49 के बीच जो है कितना लंबा समय लगा, क्योंकि हर एक चीज़ पर लोगों ने विचार विमर्श करके ही नियमों को पारित किया था। फिर इसमें प्रारूप समिति जो थी वह बनाई गई थी। इसके जो है निर्माण करना इतना सरल नहीं था, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। उसके लिए विभिन्न समितियां बनाई गई थी, जिसमें कि वार्तालाप करके उसे कार्य किया गया। उसके बाद प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया था। फिर उसके बाद हम संविधान का लिखित प्रारूप जो है 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष को सौंपा गया था। जो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। तो ये पूरा निर्मित होकर लिखित रूप में उन अध्यक्ष को सौंपा गया था। और संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 में की गई थी, और दूसरी बैठक जो हुई थी 11 दिसंबर 1946 में की गई थी। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि संविधान को बनने में कितना समय लगा। संविधान सभा को बनने में 2 वर्ष 11 माह एवं 18 दिन का समय लगा। इसमें 11 अधिवेशन हुई, 166 बैठकें हुई, जैसे कि अभी बताया विचार विमर्श करके ही संविधान का निर्माण किया गया। फिर उसके बाद 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा द्वारा उसको पूर्ण रूप से पारित कर दिया गया, उसको अंगीकृत कर लिया, मतलब उसको लागू करने के लिए वह तैयार था। उसके बाद फिर 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में, राष्ट्रीय पर्व के रूप में हम उसे मनाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। मतलब इसको बनने में इतना समय लगा, और ये सारी चीज़ें इस संविधान को हमें रक्षा करनी चाहिए, उसके लिए कोशिश करते रहना चाहिए। ये आज हमने सिर्फ उसकी प्रारूप बताया, उसकी समान सी जानकारी दी है। इसके आगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।